इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने हल्के के विश्राम गृह में खुला जनता दरबार लगाया, जहां लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे। कोई नौकरी लगवाने तो कोई गंदे पानी की समस्या को लेकर विधायक से फरियाद कर रहे थे। इस दौरान विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि हल्के की कई समस्याओं को विधानसभा में इस बार उठाया जाएगा, खास तौर से धनोरा स्केप में चल रहे गंदे पानी की समस्या को फिर से उठाने का काम किया जाएगा। आज कुछ कार्यकर्ता मुझे ऐसे मिले, काफी भीड़ नजर आ रही थी, मैं काफी समस्या लेकर आया हूँ। मुझे कुछ भाई ऐसे मिले, मैंने उनसे मिला, भाई बताओ क्या काम है। मैंने कहा जी हमने कोई काम नहीं है, आज बस हम मिलने के लिए आए थे। मुझे बड़ा गर्व महसूस करता हूँ इसे, तो आज मुझे ऐसे भी मिले जो कोई काम नहीं लेकर के आए, बस वैसे ही राम राम करने के लिए आए। तो ऐसे बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, बाकी और समस्या बहुत है। अभी किसी गली की है, किसी की नाली की है, किसी की तालाब की है, किसी की मनरेगा से संबंधित समस्या बहुत काम है, कहीं पुलिस से संबंधित भी समस्या कहीं आई है, तो रेवन्यू से संबंधित कई समस्या आई है। कई समस्याओं का ऐसा मैंने फ़ोन के माध्यम से ही दिशा निर्देश दे करके उसको पूरा कराने का काम किया। बाकी कुछ काम ऐसे हैं जो BDO ने करने हैं, STO ने करने हैं या बड़े अधिकारी ने करने। मैंने कुछ आप देख रहे थे, मैंने कुछ एप्लीकेशन अपने पास रख ली है, आज मैंने कुछ अधिकारीगण को मैंने मिलना है, जिससे संबंधित समस्या है वो जो कागज़ है मेरे पास आए उसको मौके पर उनको ये समस्या जो कागज में लिख में है उनको दे करके आगे उनको पूरा कराने का मैं काम करूँ। इस प्रकार का आज ये मेरा प्रोग्राम रहा है। इस संबंधी तो काफ़ी रोजगार लेने के लिए काफ़ी आते हैं, ये बड़ी भारी समस्या है। देखो हरियाणा में मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जब से मैंने महसूस किया है, दो बड़ी भारी समस्या हरियाणा में, एक तो पानी की निकासी है और दूसरी ये रोजगार की समस्या बड़ी भारी है। क्योंकि ये इसलिए है, एक समय था जब कोई 10वीं पास कर लेता था, 8वीं पास कर लेता था, वो नौकरी लग जाता था उस समय। तो वो क्यों था उस समय, क्योंकि उस समय शिक्षा का बड़ा भारी अभाव था, स्कूल कॉलेज नज़दीक नहीं थे, दूर दार थे, बड़ा महंगाई का सौदा था, गरीबी बहुत थी, तो जो पढ़ लेता था वो नौकरी लग जाता। परंतु अब क्या है, गवर्नमेंट ने उस समय समस्याओं को समझा, अभी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं, जगह जगह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी हैं, तो शिक्षा जब नज़दीक शिक्षा आई है, स्कूल आए हैं, तो उससे शिक्षा का बड़ा भारी बढ़ोतरी हो गया। आज हमारे काफ़ी बच्चे युवा अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने स्किल्ड का काम भी किया, डिप्लोमा, BTech, टेक्निकल, IT वगैरह, किसी ने MCOM, मतलब काफ़ी जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या है, तो सभी को देखिए, किसी भी सरकार के लिए सभी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल संभव ही नहीं है। अगर ये संभव होता तो इससे पहले कितनी सरकारें रहीं, ये बेरोजगारी की समस्या ही नहीं होती। इसलिए ये तो क्या है, जैसे जैसे हमारी इसमें एक कारण है, हमारी वादी बहुत बढ़ रही है। सरकार क्या है, सरकार के एक प्रयास ये है, एक नई शिक्षा नीति आई है, उसमें क्या है, जो शिक्षा को जो है हुनर के साथ उसको जोड़ दिया गया, मतलब शिक्षा के साथ उसको ऐसा एक शिक्षा भी दी जाएगी, एक हुनर उसको सिखाया जाएगा, टैलेंट जिसमें उसका है, स्किल्ड उसको शिक्षा भी दी जाएगी, ताकि पढ़ने के बाद वो अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो अपना कारोबार स्थापित कर दे, क्योंकि उसको हुनर की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको प्रैक्टिकल वो दी जाएगी, तो उसको गवर्नमेंट जो है उसको चीप रेट पे इंटरेस्ट चीप रेट पे इंटरेस्ट उसको पैसा दे करके उसका धंधा चलाने का काम करेगी। बता दें कि इससे पहले भी धनोरा स्केप में गंदे पानी की समस्या को विधानसभा में उठाया गया था, जिसके समाधान की दिशा में काम शुरू हो चुका है। बहरहाल देखना होगा कि लोगों को इस समस्या से आखिर कब तक निजात मिल पाता है। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।